हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के पांच सबसे चौंकाने वाले गड्ढों के बारे में, जिन्हें देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। इनमें से कई गड्ढे काफी खतरनाक हैं, तो कई रहस्यों से भरे हुए हैं, फिर भी लोग अपनी जान को दांव पर लगाकर इनको देखने आते हैं। बस आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। ग्वेटमाला सिटी। साल 2007 में लोगों को कुछ अजीब आवाजें आने लगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चल पा रहा था कि आवाजें आ कहां से रही थी। जब कुछ दिन बाद सिटी के बीच में एक बड़ा सा गड्ढा निकल कर आया, तब जाकर लोग आखिर समझ पाए कि ये आवाज कहां से आ रही थी। इतने बड़े गड्ढे के अचानक निकल आने के कारण इसमें गिरने से दो लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोगों के घर खाली करवा दिए गए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ये गड्ढा और ना फैल जाए। अब तक लोगों को पता नहीं चल पाया था कि आखिर ये गड्ढा बना कैसे। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि इस गड्ढे से शैतान बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। डीन्स ब्लू होल। वैसे तो इस जगह पर बहुत सारे गड्ढे हैं, लेकिन ये गड्ढा सबसे बड़ा और गहरा है। ये गड्ढा भामास के एक आइलैंड पर स्थित है। इसके बारे में रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये गड्ढा यहाँ पर 15,000 साल से मौजूद है। डाइवर्स का कहना है कि जब वो इसके अंदर जाते हैं तो उन्हें 30 मीटर तक सब कुछ साफ दिखाई देता है, जिसकी वजह इसका साफ पानी हो सकता है। आपको यहाँ लोग हमेशा मस्ती करते हुए दिख जाएंगे। लोग ऊंचाई से इसके अंदर कूदने से भी नहीं डरते। दोस्तों, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इस जगह जाना चाहेंगे? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिम्मा सिंक होल। ओमान में जब इस गड्ढे को खोजा गया तो लोग इसे देखकर चौंक गए, क्योंकि इसके अंदर का पानी नीला और साफ था। इसके बाद तो लोगों की भीड़ यहाँ रोज पहुंचने लगी। कुछ लोग इस चमत्कार को देखने आते थे, तो वहीं कुछ युवा लड़के इसमें एंजॉय करने आते थे। इसे दुनिया का सबसे सुंदर गड्ढा भी कहा जाता है, जिसकी वजह से इसमें तैरने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। सारी सारी नामा। ये वेनेजुएला का सबसे रहस्यमय गड्ढा है, जो जंगलों के बीचों बीच बना हुआ है। इस शानदार गड्ढे के अंदर अपना अलग वातावरण है, जिसे आप दुनिया में कहीं और ढूंढ नहीं सकते। इसके अंदर जंगल, झरने और खतरनाक जानवर भी देखने को मिल जाएंगे। वैसे तो लोग यहाँ पर जाना नहीं चाहते, क्योंकि उनका कहना है कि इसके आसपास पहाड़ों पर इंसानों को जिंदा खाने वाले लोग रहते हैं, और इसके नजदीक वाली रोड 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या जंगलों में अभी भी ऐसे आदिवासी मौजूद हैं जो लोगों को जिंदा खा जाते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। डोर टू हेल। जब इस जगह को पास में रहने वाले लोगों ने खोजा तो इस जगह में आग नहीं लगी हुई थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने यहां मौजूद मीथेन गैस को खत्म करने के लिए इसमें आग लगा दी, और फिर ये आग कभी बुझ नहीं पाई। हर साल इसे 50,000 से ज्यादा लोग देखने आते हैं, और उन्हीं लोगों ने इस जगह का नाम नरक का दरवाजा रख दिया है। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आएं? तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और वीडियो के नीचे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये बिल्कुल मुफ्त है।